So welcome everyone. I again welcome all of you to the UPSC Akhada platform, where we believe in the relevant content from the quality source and we present you in the simplified manner. आज हमारे साथ different mentors और selected officers हैं, जो आने वाली journey है आपकी, एक साल या अभी जो छह महीने, जो भी आप plan out कर रहे हो, कैसे आप पढ़ोगे, उसके बारे में आज discuss करेंगे हम कि कैसे हमें करना चाहिए अपना plan out. तो सबसे पहले जो रिसेंटली सिलेक्टेड आईएफएस ऑफिसर है दीपेंद्र सर, तो मैं उनसे स्टार्ट करूंगा. वो आपको कुछ बेसिक आइडिया देंगे क्या करना चाहिए आपको अपनी तैयारी में, और फिर धीरे धीरे जो बाकी फैकल्टी जो है ना, और जो सिलेक्टेड ऑफिसर है, वो आपको अपना व्यू बताएंगे. सर प्लीज. हेलो स्टूडेंट्स, बस यही है कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और उसमें ये कहना चाहूंगा जो आजकल गया जो प्रीलिम्स है, यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम था 2023 का भी था, अगर आप 2019 के बाद का अगर ट्रेंड देखोगे यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज है. तो वो मतलब उनकी जो पहले जो वैरायटी आती थी सब क्वेश्चंस की, अब थोड़ा चेंज है. वो थोड़ा डेप्थ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर, वो डोमेन कॉम्पिटेंस आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप जो टॉपिक्स हैं आप उनको ठीक पढ़ के, चाहे वो कोई भी एनवायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, मतलब इन तरह के सवाल भी आने लगे. बॉटनी अगर आप देखोगे, मतलब तरह तरह के साइंस टेक, इनकी जो वो है क्वांटिटी क्वेश्चंस की बड़ी है. और चूंकि अगर आप देखोगे 2013 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सिविल्स का प्रीलिमिनरी जो सिविल्स का प्रीलिम्स एग्जाम होता था, उसके साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम इंटीग्रेट कर दिया था प्रीलिम्स. अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम इंटीग्रेट किया तो ये बड़ा लाजमी सा था कि जो एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट्री है, और आपके बॉटनी के कॉन्सेप्ट हैं, साइंस टेक है, इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी. ये बड़ा लाजमी था. देखो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये तो बड़े कॉमन होती है, ये तो है ही है, मार्केट में अवेलेबल भी है, इनका बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. हिस्ट्री का तो बहुत ही सारा अवेलेबल है मटेरियल. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है. एग्रीकल्चर, बॉटनी और ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं, टीचर भी अवेलेबल नहीं. और चूंकि इन क्वेश्चंस की डिमांड क्वांटिटी बढ़ी है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं, क्योंकि मटेरियल है नहीं, वो मटेरियल है तो काफी सब स्टैंडर्ड है. और सब स्टैंडर्ड का भी मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग उसको भी 30-40% ही एब्जॉर्प्शन करते हैं. जो स्टैंडर्ड किताबें हैं एनवायरमेंट की देख लो आप, कोई भी बेसिक जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं या साइंस टेक की, साइंस टेक की कोई किताब नहीं, कोई 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 पब्लिश होकर नहीं आती. तो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ठीक डेप्थ के पूछते हैं यूपीएससी वाले, तो वो है. तो यार मेरी एज ए जो मेरी भूमिका रहेगी विनिंग एज में या अखाड़ा, यूपीएससी अखाड़ा के थ्रू, मैं अपना बता देता हूँ कि मेरी क्या भूमिका रहेगी. मैं कोशिश करूंगा जिसमें मेरी डोमेन कॉम्पिटेंस, देखो मेरी 6-7 साल की मेहनत रही, और आईएफएस का एग्जाम मैंने 4 बार मेंस लिखा है, मेरे 3 इंटरव्यू थे, तो आईएफएस की कट ऑफ मैंने 4 बार निकाली, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आईएएस की तो निकलती थी, ठीक है. और अधिकतर जो यूपीएससी अखाड़ा के मेंबर्स हैं आप देखोगे, या तो वो फॉरेस्ट निकाल चुके हैं या वो मेंस दे रहे हैं. इनफैक्ट विनय सर ने भी 2 बार आईएफएस के मेंस लिखे. तो एक मतलब आईएफएस की कट ऑफ को हम टारगेट कर रहे हैं. देखो आईएएस की कट ऑफ और आईएफएस की कट ऑफ में 15 से 20 नंबर का फर्क होता है. तो मैं तो टारगेट आईएफएस की कट ऑफ करवा रहा हूं, तो आईएफएस कट ऑफ तो इशू है ही नहीं. तो और इस जर्नी में 5-6 साल, 7-8 साल की जर्नी में यार हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, बॉटनी, ज्योग्राफी मेरा इसमें था, ठीक है. ये सब्जेक्ट्स पे हमारी इन डेप्थ, मेरी अगर मैं कहूँ इन डेप्थ नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, और इनके इन टॉपिक्स के हमने कुछ यूनिक फैक्टर्स मैंने निकाले कि ये जो आप लोगों को स्टैंडर्ड किताबों में नहीं मिलते, कि मेरी वाइड रीडिंग रही है इन टॉपिक्स पे. और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैंने ये कमिट कर दिया है, और बल्कि आज ही मैंने 40 टॉपिक बनाए हैं, कि मैं एटलीस्ट आपको 200-300 वीडियोस दूंगा, 200-300 वीडियो मैं आपको दूंगा इन टॉपिक्स पे, एग्रीकल्चर, बॉटनी, आप एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री और साइंस टेक, ये जो बड़े यूनिक से हैं. और उनकी 200-300 जो वीडियोस होंगी, डेली 5 वीडियो में पोस्ट करता रहूंगा, और ज्यादा टाइम नहीं होंगी, मैं ज्यादा टाइम लेता नहीं, क्योंकि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि मैं उस बात को 2-3 लाइन में रिड्यूस कर देता हूँ. वो बात लंबी तो कहनी नहीं चाहिए, समय भी नहीं हमारे पास. तो वो है कि कोशिश करूंगी जो 5 वीडियोज होंगी मेरे 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है. तो वो है कि 200 वीडियो में वो दूंगा आपको, ठीक है. उनमें यूनिक फैक्टर्स क्या है, उन टॉपिक्स का असेंस क्या है, कि वो जो अलग सी बात है उन टॉपिक्स की जो आप कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड किताबों जो मार्केट में मिली वो नहीं है, ठीक है. तो वो मैं दूंगा. दूसरा ये है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू हैं पोस्ट 2018,
उनको मैं डील करूंगा कि भाई उनको मिनिमम नॉलेज से मैं कैसे सोल्व करूंगा। ठीक है, देखो नॉलेज आप सारी ले जा सकते हैं एग्जाम में ना, वैसे तो इतनी कट ऑफ की आवश्यकता भी नहीं है यार। मान लो 87 कट ऑफ गई है आईएएस की, 87, 88 जो भी गई है, मतलब 44 क्वेश्चंस ठीक करने हैं आपको, तो 44% आपसे बेयर मिनिमम मांग रहे हैं वो। ठीक है, फॉरेस्ट की ज्यादा जाती है, मैं टारगेट करूँ फॉरेस्ट का क्योंकि हमारी वो निकलती है, तो अगर आप ये चीजों पर थोड़ा काम करोगे तो वो होगा। तो मैं 200 टॉपिक मैंने विनय सर को कह रखा है कि 5 वीडियोज मेरी डेली आएंगी, मैं 40 दिन में कवर कर दूंगा वो सारी। दूसरा PYQ है 18 से 23 तक के, जो 23 का एग्जाम लोग कह रहे हैं कुछ ऐसा है वैसा है, बिल्कुल सीधा है वो, ये टॉपिक्स वैसे ही हैं। इतनी एक्सपर्टीज के बाद हम ये कह सकते हैं विद फुल कन्विक्शन, मैं कह सकता हूं कि टॉपिक बड़े सीधे हैं। वो तरीका बदल दिया उन्होंने, ओनली 2 पेयर 3 पेयर कोई नहीं आंसर क्वेश्चन, तो आंसर तो वही रहना है, वो कुछ भी बदल दें वो, क्योंकि यूनिक फैक्टर आपसे पूछ रहे हैं, वो मैं कवर करूंगा। उसके साथ साथ जो बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक इन जनरल, मैं पूरा पेपर भी सोल्व करवा दूंगा। देखो ऐसे मैंने पहले भी करवाया था विनय सर की टीम को कि 20, 21, 22, 23 पूरा पेपर ही सोल्व करवा दूंगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मेरी उतनी अच्छी है जितने ये सब्जेक्ट्स हैं, पर इसमें चूंकि मेरी एक्सपर्टीज है, क्योंकि आगे इतना समय ना मिले क्योंकि 1 अगस्त से ट्रेनिंग है, तो मैं इसलिए वही कमिट करता हूं जो मैं 100% दे सकता हूं। उसमें क्या पता थोड़ी क्वालिटी में कुछ दिक्कत आ जाए, मैं चाहते नहीं आप लोगों को नुकसान, क्योंकि बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी इक्वली गुड हैं, पॉलिटी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, हिस्ट्री के, इक्वली गुड हैं वो, तो वो ले लेंगे, कोई उसमें इशू नहीं होगा। मेरे ये टॉपिक है क्योंकि मेरे सब्जेक्ट रहे हैं, तो इसमें मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी तो यार ये भूमिका रहेगी कि इन 200 वीडियोस होंगी इन यूनिक टॉपिक्स पे, PYQ होगा और एलिमिनेशन टेक्निक्स होगी। और इन जनरल आपके कोई वैसे डाउट हैं कि भाई क्वेश्चन ये है, इनफैक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के भी वैसे डाउट हैं, क्योंकि मैंने पेपर बार बार निकाला है बहुत बड़े मार्जिन से निकाला है, तो वो है, मैं उनको भी डील कर लूंगा। देखो विनय सर मेरे साथ हैं और ये मुझे कन्वे कर दें, कोई भी ऐसा कोई है आप लोगों की इन टॉपिक्स में भी डाउट है, मैं वो भी ले लूंगा। और बाकी तो यार ये है कि, और बाकी अपना यार UPSC का यही है कि आप PYQ पे फोकस करो, PYQ मेरा रहेगा, 18 से 23 का मेरा रहेगा, क्योंकि UPSC की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो प्रीलिम्स हो चाहे मेन्स हो, आप PYQ को छोड़ नहीं सकते। और PYQ में ये 4 टॉपिक तो मैं ले ही रहा हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड और साइंस टेक से रिलेटेड, बाकी कुछ होंगे, बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। और कोई आप लोगों के इंडिविजुअल कोई डाउट्स होंगे वो विनय सर को बता देना, मैं वो ले लूंगा। और बाकी कोशिश पूरी टीम की यही रहेगी कि आपकी कट ऑफ अच्छे से निकले। देखो ISC कट ऑफ को इंडिविजुअल लेवल पे जो UPSC अखाड़ा के जो अपने फैकल्टी मेंबर्स हैं वो नहीं मानते, मैं नहीं मानता ISC कट ऑफ को, वो बेयर मिनिमम 87। हम IFS को टारगेट करेंगे जब जाके हम कहीं IAS पे लैंड करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा ये होगा कि 15-20 नंबर ऊपर हम लेके आए, अदरवाइज वो मेंस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप बॉर्डर पे हो भाई 80, 85, 90 बता रखिए कट ऑफ, और आपके स्कोर 90-95 है, वो ठीक नहीं है, आपका स्कोर 100+ है ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो UPSC की आंसर की आई है अभी, उसमें 15 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, जो UPSC की आंसर की आई है अभी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं कंपेयर करूं, 15 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। तो वो है कि जो कोचिंग मतलब जो इनसे बन रहा है, मतलब एक स्टैंडर्ड स्कोर बनना चाहिए हमारा कि भाई ठीक है अगर 85-90 है तो 100+ हो स्कोर, कि अगर गलत भी हो जाए तो भी हम पास हो जाए। वो आपकी टाइम सेविंग है कि भाई आपको 3 महीने मिलते मेंस की, वो तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है अगर आपने मतलब मार्क्स थोड़े कम स्कोर किए। अगर अदरवाइज आपकी अपॉर्चुनिटी हो कि भाई आपके पास एक एक्सटेंडेड विंडो है और आप नेक्स्ट डे से मेंस का शुरू कर सकते हैं, तो वो है मेरी कोशिश उस सेंस में रहेगी यार। और बाकी चीजें कुछ और निटी ग्रिटी हैं वो विनय सर ने विनिंग एज के लिए बना रखी हैं, क्योंकि आज थोड़ा मेरे को कहीं जाना है इसलिए मैं, और बाकी मैं सेशन लेता रहूंगा, और सर कभी भी कहेंगे मैं यही हूँ 1 अगस्त तक, कोई होगा तो मैं फिर सेशन ले लूंगा। मेरी तरफ से यही था, ये जो टॉपिक्स हैं और 2018 से 23 के पेपर हैं और एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, मैं इन तीनों को कवर कर दूंगा ताकि आपका टाइम बचे। देखो मैंने जो 6-7 साल की मेहनत की, आपका टाइम बच जाए, आपका स्ट्रगल प्रोलॉन्ग ना हो, क्योंकि स्ट्रगल प्रोलॉन्ग होना गलत है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिना बात के प्रोलॉन्ग, आप अपना बेस्ट पोटेंशियल दो और टाइम बचाओ, टाइम जो बचे उसमें मेंस की आंसर राइटिंग करो। तो आपको मतलब वो एज होना चाहिए हमेशा ना कि भाई प्रीलिम्स सिक्योर है, सर ने वीडियोस दे दी काफी हैं वो, और उसके बाद मैं अपना वो फोकस कर सकता हूँ, मेंस पे फोकस कर सकता हूँ, किसी और सब्जेक्ट पे फोकस कर सकता हूँ जो आपको लगे कमजोर है, ऑप्शन पे फोकस कर सकते हो। तो वो टाइम सेविंग मैं आपकी कर दूंगा, 15 मिनट की वीडियो होंगी, 5 वीडियोज होंगी, 15 ज्यादा मिनट में लूंगा नहीं, तो देख लो आप 200 वीडियोज होंगी, वो काफी टॉपिक कवर कर देंगे। तो बाकी आगे के लिए क्या उसके निटिग्रिटीज होंगी और क्या कोर्स का डिजाइन होगा वो विनय सर बताएंगे, और विनय सर फिर आप बताइए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।
देखो अब नेक्स्ट हम आशीष सर से स्टार्ट करते हैं सर प्लीज, क्योंकि सर बच्चे आपसे काफी क्लोज हैं, आपको आइडिया है उन। आशीष सर। हेलो एवरीवन, माय पॉइंट इज, देखो हमने लास्ट ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया था, इस प्रोग्राम का नाम है विनिंग एज, और अब की बार विनिंग एज में फ्रॉम आवर लर्निंग्स विद द स्टूडेंट्स हमें काफी कुछ रियलाइज हुआ। मैं आपके साथ, देखो भाई सिंपल लॉजिक है, द आइडिया इज टू एवरीवन नीड्स टू स्टडी, ठीक है जी, पढ़ता हर कोई है, स्टडी सेम है, सोर्सेस सेम है, देन इश्यू कहाँ है? इश्यू बहुत सारी जगह पे आता है। नंबर वन, उस सोर्सेस में से हाउ टू स्टडी, बच्चों को ये नहीं पता। नंबर टू, ये अगर पता लग जाता हाउ टू स्टडी, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड कि भाई, बिकॉज ये एग्जाम होना है एक साल बाद और आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिफोर वन ईयर, और ह्यूमन माइंड क्या करता है, ह्यूमन माइंड डिफ्लेक्ट हो जाता है जल्दी से जल्दी किसी ना किसी प्रॉब्लम में डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे सपोज करो कि अभी चल रहा है जुलाई, तो अगस्त भी करना है, सितंबर भी करना है, अक्टूबर भी करना है। तो सेकंड पॉइंट आता है डिसिप्लिन का, थर्ड पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन का, थर्ड पॉइंट इज ऑफ एग्जीक्यूशन कि एग्जीक्यूट कैसे करें हम, राइट? तो एग्जीक्यूशन में इश्यू है। अब ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कैसे होती हैं? सॉल्व होती हैं व्हेन यू हैव अ टॉपिक वाइज, जब आपके पास एक माइक्रो प्लान होगा, मैक्रो प्लान नहीं, मैक्रो प्लान क्या होता है, आप टॉपर टॉक्स में जाते हो, आप सुनते होंगे कि स्मार्ट स्टडी करो, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, जीसी लियोंग पढ़ लो, ए बी सी, तीन तरह के सोर्स बता देते हैं, बट देन माइक्रो की प्रॉब्लम आती है कि मेरे को एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, ये क्या मतलब हुआ, बिल्कुल स्मॉल क्वेरी जिसकी वजह से मैं तीन दिन तक रुका हुआ हूं, प्रॉब्लम आती है मेरे को कि भाई मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, मेरी फ्रेमिंग अच्छी नहीं है, मेरी जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होंगी इन प्रोग्राम में, मैक्रो से सॉल्व नहीं होती, वो माइक्रो से होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू स्टडी, जो है हमारा जो यूपीएससी अखाड़ा पे बताएगा हाउ स्टडी इन माइक्रो मैनर, माइक्रो नहीं माइक्रो, जब आप डेली समझ में आएगा करना क्या है एक्चुअली, ब्रीफली बिल्कुल, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट आया, देखो भाई हमारी टीम जो है वो 24/7 कमिटेड है फॉर योर रिजल्ट, 24/7 कमिटमेंट है। सपोज आप अगर आते हो और आपका दिक्कत आती है आपको कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, मन नहीं है, हमारे यहां मन जैसा कोई शब्द नहीं है, हमारे यहां सिंपल बात है भाई, आई विल आस्क आफ्टर गिविंग यू द असाइनमेंट फॉर वन वीक, भाई किया तो क्यों नहीं किया, आपकी मजबूरी है हमारे साथ पढ़ना, आपकी जरूरत तो है ही, साथ ही साथ अगर आप बेइज्जत होने से बचना चाहते हैं, अगर आप ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी ईगो बोलेगी, ईगो से हम पढ़ाई करवाएंगे, मजा भी आएगा। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि बेस्ट सोर्सेज, और इस बार हमने एक एडिशनल चीज लेके आए हैं, इस सीसेट की वजह से बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा, इस पे खासा फोकस है हमारा, और वो सीसेट की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो वाली दी जाएंगी जो बच्चों को जेन्युइनली हेल्प करे, जैसे यूपीएससी रिलेटेड सीसेट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दी जाएगी, प्लस आंसर राइटिंग पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है अलोंग विद करंट अफेयर्स। तो भाई वो कहते हैं ना कि कोई काफी अकेला है ना, और कोई अकेला ही काफी है, तो हमारा विनिंग एज जो प्रोग्राम है ना वो अकेला ही काफी है आपकी लाइफ को, हम आपको एक प्रोपेल कर देंगे। मान लो सपोज आप यहां पे हो ना प्रिपरेशन की अपनी जर्नी में,
तो आप अभी ऐसे लर्न कर रहे हो स्लो 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 स्लो. हमारा प्रोग्राम आपको प्रोपेल कर देगा टूवर्ड्स द बेस्ट जो आपको गाइडेंस हो सकती है उसमें. बस दैट इज द ओनली थिंग. भाई जितना ज्यादा बोलूंगा ना उतना ज्यादा वर्थ नहीं होगा. मतलब आई बिलीव कि वी शुड नॉट से, वी शुड नॉट प्लान, वी शुड डू. डूअर्स ही इस पूरी दुनिया में चेंज लाते हैं, वरना जो लोग थिंकर्स है ना वो किताबें लिखते रह जाते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड. नाउ सर, विनय सर, मैंने प्रोग्राम के बारे में बता दिया, इनका क्वेरी सेशन में सर हमारी इनकी क्वेरी हैंडल कर लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. धीरज सर. हाँ विनय सर. हाँ गुड इवनिंग. थैंक गुड. तो अगेन एक बात और, देखो लास्ट ईयर क्या होता जब विनिंग है सर ने इंट्रोड्यूस किया अभी, तो हमने लास्ट टाइम कुछ सेशंस लिए थे जिसमें सिलेक्टेड ऑफिसर्स थे, तो धीरज सर का पर्टिकुलर बहुत ही लिमिटेड सेशन थे, टाइम कम था. लेकिन जब हमने पोस्ट प्री एनालिसिस किया तो उस सेशन से ही सर के काफी मतलब कि मॉडर्न, मतलब हमने 3-4 सेशन लिए और मॉडर्न हिस्ट्री के और मैपिंग के लगभग क्वेश्चन उसी से कवर हो गए थे. तो अगेन आई वेलकम धीरज सर. सर प्लीज. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप आई एम ऑडिबल. थैंक यू, थैंक यू. देखो यार, जो भी गुलिया सर ने बताया, दीपेंद्र सर ने या विनय सर ने या अभी आशीष सर ने जो भी आपसे जितना भी डिस्कशन किया है मैंने उसे सुना है, एक्चुअली गेम क्या है. तो जो सबसे बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू हैविंग ए विनिंग एज. And what sort of winning edge we are talking about? We are talking about a winning edge that is ensuring that the mains, the pre ke beech ka jo dicey phase hai, that is maybe it is 10 days, 7 days, something. Usko kaise reduce kiya jaye? Ab ye aage ki sari kahani, how to do it, where to do it, and how much time will take to do it. Before going into those things, let me know how many of you have appeared in prelims prior to 2024. So, sample ka outcome kya hai? Out of those who have attempted, they were on the verge of scoring 80 and 100 in specifically GS and in CSET. Either they are clearing clearly or they are failing clearly. There is no dicey thing that they are getting 27 right and 28, one will decide what will happen. So, those who are on the margins of GS clearing, so let me tell you, there can be only 3 to 4 or max to max 3 possibilities with respect to that why and how they are in that margins. How many of you have not completed the basic books or the classes in total and in full zeal? That in UPSC there is simple funda, if you are reading something one time, count it one time less. That is, one time is nothing in UPSC. If you are reading it for one time, forget it that it is of any use for you in final paper. Jab bhi option aayenge na, the options will be so close that you will became in that position whether I should mark A or B. Kabhi bhi aisa nahi hoga ki you will be okay yaar, this is clear hai. That because it is not that the so-called objective paper. It is a subjectively objective paper. Because each and every time there is a subjective understanding of the particular topic and only then you can find out the answer. The moment you try to go to objective thing, your answer get wrong. Specifically in polity, specifically in history. Jaise aap sochoge na, haan, ye toh bilkul asaan lag raha hai, itna bhi asaan nahi hai. The question setter has made sure कि आपको वो क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कितना बीजी पेपर भी ना हो. सेकंड थिंग, दोज हु आर ऑन द मार्जिन ऑफ 60 to 70 या 80 to 90, दे हैव रेड द बुक्स, दे नो द बेसिक्स, बट दे हैवंट गोन थ्रू द टेस्ट क्वालिटेटिवली. मान लो आपने पांच टेस्ट भी किए, मान लो हर पेपर के देर आर 7 स्टैटिक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स,
ज्योग्राफी इन्वायरमेंट तो चाहिए प्लस करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर यू कैन इंक्लूड इन दैट. सो इन आउट ऑफ दिस 7 सब्जेक्ट्स आपने इन सब के जो इंडिविजुअल पेपर्स हैं वो नहीं लगाए हैं और लगाए हैं तो यू डो नॉट नो हाउ टू एनालाइज द पेपर्स यू हैव अटेम्प्टेड व्हाट टू लुक फॉर इन द मिस्टेक यू हैव डन इन इन द पेपर इन द टेस्ट सीरीज यू हैव अटेम्प्टेड. ये दो इशू सबसे बड़े हैं. फर्स्ट थिंग इज यू हैवंट रेड द टॉपिक्स थ्राइस और फोर टाइम एंड सेकेंड वन इज यू हैवंट एनालाइज द पेपर्स और या तो आपने लगाए ही नहीं है टेस्ट सीरीज या आपने उन्हें एनालाइज नहीं किया है. एंड थर्ड थिंग इज आपको पता ही नहीं है कहाँ से क्या सोर्स आना है. देखो लास्ट ईयर के पेपर जो मैंने दोनों सब्जेक्ट जो मैंने खुद से एनालाइज किए थे उसके हमने एक एविडेंस देने की भी कोशिश की थी. जो जो टॉपिक्स मान लो हमने वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट कि ज्योग्राफी में क्या आने वाला है तो वी हैव माइक्रो मैनेज्ड जो एग्जैक्ट वर्ड है कि माइक्रो मैनेज्ड कि ओके यार ये चीजें बार बार यूपीएससी इज आस्किंग दीज थिंग्स तो अगेन यूपीएससी में आस्क दीज थिंग्स तो दैट हैज हैड हैपेंड. तो यूपीएससी की कहीं विनय सर वो वीडियो का लिंक भी दे देंगे मैं गिव यू द वीडियो लिंक ऑल्सो तो उसमें यू कैन फाइंड आउट यस प्री में ये चीजें थी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बोथ ठीक है मैंने कभी दो ही चीजें ली थी और जो इकोनॉमिक्स था उसमें जो आपने आशीष सर ने क्लासेज ली थी उसमें भी स्पेसिफिक डोमेन था. क्वालिटी में सर ने जो क्लासेज ली थी वहां से डायरेक्ट क्लास से क्वेश्चन थे बिकॉज दीज आर फोर सब्जेक्ट दैट आर कोर बेस. एंड जब दीपेंद्र सर जुड़े हैं तो उनका आइडिया क्या है कि उस कोर में क्या पढ़ना है. जैसे मैं आपको एक मुझे ज्योग्राफी का एग्जाम्पल याद आ रहा है तो यूपीएससी की आदत है एवरी टाइम जो अपनी ट्वेल्थ की ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी वहां से एक से दो क्वेश्चन पूछने की. इधर दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन रिवर और दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज और दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन सॉइल. और नेचुरल रिसोर्सेज में लास्ट वाला पेज देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पे ना 4 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है. ईच एंड एवरी ईयर माइंड माई वर्ड यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर. वो जितने भी एनिमल वहां पे लिखे हैं जो बायोस्फीयर लिखे हैं वहां से यूपीएससी इज आस्किंग ए क्वेश्चन. जो 6-7 उसमें फॉरेस्ट टाइप दे रखे हैं यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दोज 6-7 टाइप्स. लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उन 6-7 टाइप्स में हमें क्या चीज याद करनी है. दिस ईयर ऑल्सो दे हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू आई थिंक ओक और सम पाइन क्लियरिंग एंड ऑल. लेकिन ये पता नहीं है लोगों को कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से है. क्यों? क्योंकि वी हैवंट गोन थ्रू दोज एनसीईआरटीज इन दैट डेप्थ. तो ये 3 मेजर इशू हैं. How much to study and from where to study, how many times to study that particular topic, or how to analyze your own mistakes and what to learn from your own mistakes. मुझे प्री में ये 3 चीजें लगती हैं. And those who haven't qualified CSET, let me reiterate it again. UPSC has made sure that they will pick and choose the individuals who can write mains. And this prelims is just an elimination round. इट इज जस्ट एन एलिमिनेशन राउंड टू मेक श्योर कि द सो कॉल्ड जो उन्हें लग रहा है कि ये डिलीजेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको वो मेंस में लेके आए. क्योंकि मेंस एक काफी हेक्टिक प्रोसेस है यूपीएससी के लिए भी कंडक्ट करना. दे आर कंडक्टिंग 9-10 पेपर इन 6-7 डेज थ्रू आउट इंडिया. तो उन्हें भी वो इंडिविजुअल चाहिए दोज आर नॉट लैक्स इन देयर अप्रोच और दोज हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम. एंड जब हम विनिंग एज की बात कर रहे हैं तो लाइक इन प्रीलिम्स वी आर लुकिंग फॉर एज इन गेटिंग यू थ्रू द मार्जिन फॉर फॉरेस्ट. हम चाह रहे हैं कि यू विल बी गेटिंग 110-115 मार्क्स इन प्रीलिम्स. ऐसा ही एक विनिंग एज हम मेंस में क्रिएट करना चाह रहे हैं. नाउ मोस्ट ऑफ यू हैवंट रिटन एनी ऑफ द मेंस तो अभी आपको वो फ्लेवर ही नहीं पता कि हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चंस व्हाट टू लुक इन टू द क्वेश्चंस. तो जो भी 2024 के लिए अपीयर हो रहे हैं मेरी जो पर्सनल सजेशन है व्हाट विल बी द पर्सनल सजेशन कि आप जब 2024 के प्रीलिम्स में जाएं तो यू हैव ऑलरेडी रिटन योर ऑप्शनल पेपर इन टेस्ट सीरीज कंप्लीटली और पास्ट ईयर पेपर्स कंप्लीटली 7-10 ईयर पेपर और जीएस पेपर्स एटलीस्ट 3 पेपर्स आउट ऑफ 4 यू हैव हैड रिटन प्रायर टू योर प्रीलिम्स. अगर वो नहीं किया है तो द सो कॉल्ड एज विल नॉट बी देयर. क्योंकि प्री के बाद क्या होगा ईच एंड एवरीवन विल बी गोइंग आफ्टर द टेस्ट सीरीज. यू विल आपको ऑप्शनल भी करना है आपको एसे भी लिखना है इन दैट टाइम फ्रेम ऑफ 90 डेज इट वॉन्ट हैपन. और ये आपके साथ नहीं दोज हु आर मिजरेबली फेलिंग
इन द मिजरेबली नॉट एबल टू क्वालिफाई द मेन, जो हमेशा बाउंड्री पे रहते हैं उनके साथ यही होता है. बिकॉज आपने देखा होगा कि लॉट ऑफ टाइम इंडिविजुअल्स आर देयर, दोज हु आर राइटिंग मेन्स अगेन एंड अगेन, दे आर अपीयरिंग इन इंटरव्यू बट दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर मेन्स मार्क्स. मुझे पता है कि जो मेरा फर्स्ट मेन्स था, आई हैव स्कोर्ड अराउंड 570 समथिंग इन मेन्स. मुझे भी नहीं पता कि हाउ हैज दैट हैपेंड. तो उस 570 से माई स्कोर इन माई लास्ट अटेम्प्ट वाज 869 प्रिसाइजली आई स्कोर्ड. तो वो 300 की जर्नी कैसे थी, हाउ आई हैव इंक्रीज दैट मार्क्स, क्यों? क्योंकि जब 570 थे उससे 800 आया, 800 से 869 आया. वो मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, दैट यू हैव टू वर्क अपॉन दैट. अगर आपने, जो मैंने बोला तीन चीजें, प्रीलिम्स से पहले अपना मेंस कंप्लीट नहीं किया, तो देयर इज नो फन ऑफ क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वालिफिकेशन. क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि विद इन दोज 30 डेज, विद इन दोज 90 डेज आप मेंस को इतना ग्रास्प कर लें कि आप वहां पे मेंस में जाके इतना अच्छा आंसर लिख दें कि यू विल बी इन द फाइनल लिस्ट. ये बहुत डिफिकल्ट केस है यार. तो बस फोकस यही रहेगा कि जो अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट मैकेनिज्म है उसके थ्रू द आइडिया ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और स्पेसिफिसिटी बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस. क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है, दोज हु हैव वंट हैव एनी मेंटर्स, हमें पता है कि हाउ वी हैव सेल्ड थ्रू दिस प्रोसेस. खुद से गल्तियां करके, आई डोंट थिंक एज दीपेंदर सर हैज टोल्ड, अब वो टाइम है कि यू विल कमिट द मिस्टेक्स बाय योरसेल्फ एंड देन लर्न वन बाय वन स्टेप एट ए टाइम. अब टाइम है चीजों को इनकॉर्पोरेट करने का, जहां से भी बेस्ट आपको मिल रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने का. तो विनिंग एज इज जस्ट ए फेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वट एवर वी आर नोइंग, वट एवर वी आर नोइंग फ्रॉम आर प्रोसेस, वट एवर आई हैव मेंटर्ड अराउंड 1000 स्टूडेंट्स, 1000 एस्पिरेंट्स इन द प्रोसेस एंड मेनी ऑफ देम आर इन सर्विस राइट नाउ. आई एम ग्लैड टू शेयर दिस फैक्ट कि आई हैव वर्कड इन कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर 3 ईयर्स. तो आई नो कि हाउ पीपल हैव स्कोर्ड, एट वट लेवल दे केम इन द कोचिंग एंड हाउ विद द पर्सनल फोकस दे कैन go through. So this is from my side. Idea is to just create an edge. Idea is to create the topics, the things in specific manner. Ki aapko your preparation will be streamlined enough and you will not go haywire in your examination approach. So this is it from my side. Thank you very much, sir. Again, देखो जो selected officers हैं तो उनका ये edge होता है कि they have cleared the process, है ना, तो उनको पता है कि आपके लिए टाइम बचना है. तो क्लासेस तो सभी लोग ले रहे होते हैं. सर ने स्पेसिफिक 4-5 क्लास ली थी एंड उसमें से सीधा हिट हो रहा है मैपिंग में, हिस्ट्री में भी हिट हो रहा है सीधा. तो दैट्स अ डिफरेंस. अगेन वन मोर फैकल्टीज विद अस, दिनेश सर. और सर का तो लास्ट टाइम जो विनिंग एज का हमारा प्रोग्राम था उसमें सर ने पॉलिटी पेपर 2 कम्प्लीट करवाया था सारा. एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली सभी कह रहे थे कि लक्ष्मीकांत से नहीं आया. और नहीं भी आया था वो बहुत भी ठीक है, जो पेपर 2 का पॉलिटी का पार्ट था. लेकिन जब हमने पोस्ट अगेन पेपर एनालिसिस किया तो दिनेश सर की क्लास में से केवल एक क्वेश्चन नहीं आया था, दैट वाज अबाउट द होम गार्ड्स. और वो आप कर सकते थे सिंपली कि स्टेट्स में आता है उससे, बाकी सारे क्वेश्चन पॉलिटी सर की क्लास में थे. सर आगे प्लीज, आई वेलकम दिनेश सर. आप हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस सेशन. जैसा कि सर ने बताया अभी कि जो पिछला पेपर था, तो एक बात आप सबने सुनी होगी कि एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया. ये काफ़ी एक जो लाइन है काफ़ी फेमस हो रही है पूरे अरेना में. बट हमने जो पॉलिटी का कोर्स डिज़ाइन किया था उसको हमने शुरू से इन डेप्थ इस तरह पढ़ाया था कि अब जो एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट हो गई है, उसके बावजूद हमने एक वीडियो में क्लियरली बताया है कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आए हैं. क्लासेस में डिटेल में पढ़ने का यही फायदा है कि आप आराम से ऑप्शंस को छाट सकते हैं. देखिए, विनिंग एज का मतलब सर ने बताया, दीपेंद्र सर ने बताया, धीर सर ने बताया, विनय सर ने बताया, सब ने बताया. इसका मतलब यही है कि जो एंड 2-4 नंबर की बात होती है जहां से बच्चे फेल कर जाते हैं और फिर 1 साल बाद वापस उस स्टेज पे आते हैं, उस 2-4 नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है. और उस एक्स्ट्रा के लिए ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल या कोई बुक आपने ऐड कर ली. उस एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि जो भी आपने पढ़ा उसको मल्टी डायमेंशनली पढ़ लिया. जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं आपसे, तो एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है. अब आपने फंडामेंटल राइट्स को पूरा पढ़ लिया, आपने आर्टिकल्स रट लिए, आपने आर्टिकल 21 भी देख लिया,
पर अगर आपने ये नहीं देखा कि मेनका गांधी केस में हुआ क्या था, तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं एनसीईआरटी की रेलेवेंस खत्म हो गई है। अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन आया था 16(4) आर्टिकल से, आर्टिकल 16 क्लोज 4, 11th क्लास की एनसीईआरटी में केवल यही एक आर्टिकल है जो अलग से मोटा मोटा मेंशन लिखा हुआ है। यूपीएससी ने उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जोड़ दिया। तो हम विनिंग एज के अंदर यही ध्यान रखते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या हमें और ऐड करना है, ताकि आप ये कट ऑफ के चक्कर में ना फंसे रहें कि पेपर देके घर आ गए तो कम से कम शांति से पानी पी लो। ये नहीं कि बस बीच में अटके हुए हैं कि दो नंबर कम या दो नंबर ज्यादा। एक बार खींच के पढ़ाई कर लो और उस पार, फिर आप मेंस की चिंता करेंगे। तो यही हमारे सारे फैकल्टीज और मैं खुद भी ध्यान दे रहा हूँ कि इस समय जैसे इलेक्शन कमीशन न्यूज में है या यूसीसी लॉ कमीशन न्यूज में है, तो मुझे पता है इस पे क्वेश्चन आना है, इसी पे क्वेश्चन आएगा, यही पूछा जाएगा। तो उसमें आपको देखना है कि इसमें कितने डायमेंशन से पूछा जाएगा। लॉ कमीशन क्या है, लॉ कमीशन की कौन सी रिपोर्ट में क्या बताया गया, मेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप क्वेश्चन देख लेना, इस बार आएगा। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आएगा। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ के हमें पता लग जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन था होमगार्ड से रिलेटेड जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जो हम नहीं पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर निकल गया और बाकी हमने पूरा उसको कवर किया था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन की अगर टफनेस को देखें, टफनेस इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट को गहराई से पता हो, और ये हर सब्जेक्ट पे लागू है, केवल पॉलिटी पे नहीं। गहराई से पता होने का मतलब ये है कि आपने अगर 3-4 ऑप्शन देख लिए, तो उस 3-4 ऑप्शंस में अब तो ये तरीका भी बदल गया है कि कितने सही है कितने गलत हैं, तो उसमें से एग्जैक्टली आपको उस बात का पता होगा तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपको घर आके भी नहीं पता लगेगा कि सही आंसर क्या था। आप कैसे चेक करेंगे कि आपने जो किया कौन से दो सही थे? तो इसलिए आपको जो स्टेटमेंट पढ़ लिया उसके आर पार की कोई बात नहीं, केवल वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है वो अच्छी तरह से आपको पता है तो ही आप उसका आंसर कर पाएंगे। और इस जो टेक्निक है इसकी क्वांटिटी आगे बढ़ेगी, ये ध्यान रखना आप। इस बार 44 क्वेश्चन आए थे, नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद कर रहे हैं कि 60-70 के बीच में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का सीधा सा तरीका है कि आपको अच्छी तरह से वो चीज पता होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात, जो अगर किसी स्टूडेंट ने किसी तरह से मैनेज कर भी लिया तो उसको सी सेट में बड़ी दिक्कत आई। तो ओवरऑल आपका यूपीएससी करने का ये तो है नहीं कि आपको प्रीलिम्स पास करना है, आपको तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आना है। तो उसके लिए बहुत सारी स्टेजेस हैं, बाकी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। सी सेट में मेरी जानकारी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा गया मगर सी सेट में फेल हो गए। तो आपको जो पूरा साल मिलता है, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि भाई ये सी सेट वाला झटका हमारे साथ भी होने वाला है एक साल बाद। पेपर देने के बाद हम बोलते हैं कि ये पेपर थोड़ा टफ आ गया, ये तो कैट लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, तो जब इस बार हो गया तो उस पर ध्यान दो ना फिर। और विनिंग एज में हम सारे टीचर्स मिलके, फैकल्टीज मिलके, जो हमारे सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, इन सबके साथ बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि सर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बच्चों के काम का है कि नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंटरिंग और उनको पढ़ाने के बाद आपसे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पूरी क्लासेस खत्म करने के बाद अपनी क्लासेस को पेपर के साथ मैच करने के बाद कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ कि क्वेश्चंस आ रहे हैं और बच्चे कंफर्टेबल हैं अटेम्प्ट करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। बाकी डिटेल विनय सर ने आपको पूरी बता दी। इसके अलावा इसमें एक ये स्पेसिफिसिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक चेंज, टफनेस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ गया है, स्पेसिफिक आपको पता हो। जो चल रहा था पिछले 5-10 साल से कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो बस जयराम जी के, ऐसा नहीं होने वाला। एनसीईआरटी के साथ में आपको पॉलिटी के साथ लॉ जुड़ गया है, पॉलिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के साथ गवर्नेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पूरा करने के बाद 20 क्वेश्चन कर पाएंगे आप केवल ये ना सुन लें कि पॉलिटी के 20 क्वेश्चन थे, वो केवल पॉलिटी के 20 क्वेश्चन नहीं थे, उसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड है। अगर आपसे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पूछी जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर जाने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन का लिबरल इंटरप्रिटेशन किस तरह से हो रहा है। जो आपको एक्सप्लिसिट दिख रहा है वो तो ठीक है, उसके अंदर इंप्लिसिट क्या बात छुपी, वहां से क्वेश्चन आने वाला है। और यही मेंस में होने वाला है। अगर आपसे पूछ रहा है स्पीकर के बारे में कि जो फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में डिस्कस करूं, मैं ज्यादा इस चीज में विश्वास रखता हूं कि आपसे सीधा क्वेश्चन पे बात करूं मैं,
तो उसमें जैसे मान लो स्पीकर पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों ना ब्रिटेन की तरह हमारा स्पीकर भी परमानेंट हो जाए, तो मैं बच्चों से जब पूछता हूँ कि आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करोगे, आपका इनिशियल अप्रोच क्या रहेगा, तो वो लिखने लगेंगे कि स्पीकर के लिए ये आर्टिकल है, स्पीकर के ये पावर्स है। ऐसा नहीं है, इंट्रोड्यूस करेंगे आप कॉन्सेप्ट के साथ में, आप बताएंगे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस स्पीकर की इसलिए है कि वो पूरे अरीना को जो पार्लियामेंट के अंदर है वो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रेटर ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ओपोजिशन भी पार्लियामेंट में बैठा है, गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट के अंदर है। तो गवर्नमेंट को अगर ज्यादा मौके मिलेंगे बोलने के लिए और ओपोजिशन को मौके नहीं मिलेंगे बोलने के लिए, तो वो किस तरह से डिमीन करेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। यहां से इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज आपको इंट्रोड्यूस करना है, फिर वे फॉरवर्ड के लिए फिर उस तरीके से ये सब विनिंग एज के अंदर ही बताते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपने कुछ लक्ष्मीकांत में आर्टिकल पढ़ लिए या कुछ दो चार प्रोविजन आपको याद है वहीं से आप स्टार्ट कर दें, तो ये बहुत ही मतलब बेकार किस्म का इंट्रोडक्शन या उसको आंसर मानेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ने के बाद अगर मैं पूछूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म ये दो बातें बता दो उसमें रो केवल, तो ये क्लियरली नहीं बताने की स्थिति में मैक्सिमम स्टूडेंट अभी हैं। और जनरली दूसरे सब्जेक्ट की अपने सर ने बात करी, जैसे एनवायरमेंट की बात करी, साइंस एंड टेक की बात करी, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत ज्यादा इस तरह से कि मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आने लगे हैं। तो हमारी सारी फैकल्टीज इस बात का पूरा ध्यान रखेंगी कि आपको केवल उस तरह की चीजें बताई जाए जो आपको इस एग्जाम को पास करने में मदद करें। ये नहीं कि हम दिखा रहे हैं कि हमें क्या क्या आता है, कि देखो हम कितना मेटेरियल दे सकते हैं, देखो हम कितना अरेंज करके दे रहे हैं सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये देखते हैं कि आपके काम आएगा तो उसकी वर्थ है, नहीं तो कोई वर्थ नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और बाकी इंस्टीट्यूट का भी हम देखते हैं कि क्या चल रहा है, कि चार पांच टीचर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रूफ के साथ आ रहे हैं कि भाई हमारे क्वेश्चंस, मेहनत अगर होती है तो वो दिखती है। अगर आप पूरा कोर्स देखेंगे, विनिंग एज में जुड़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे दोगुना मेहनत हम यहाँ पे दिन रात बैठ के करते हैं, तब आपको डिलीवर करने की स्थिति में कुछ होते हैं हम इतने एक्सपीरियंस के बाद भी। क्योंकि आप इसे माने कि 2023 इज ए वॉटरशेड इवेंट इन यूपीएससी, इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तो कुछ बच्चे तो इस चिंता में है कि सर हम तो गलत टाइम पे यूपीएससी में घुस गए। गलत टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल सही है, आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। बहुत जो सिंपल सब्जेक्ट है उनमें भी आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पुराने तरीके से किसी ने बता दिया, इवन मैं पॉलिटी कब से पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी अब चीजों को चेंज करना पड़ गया। मैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की मोटी मोटी बुक को देखने लग गया कि आर्टिकल 14 के अंदर इसकी और क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा क्या है। लक्ष्मीकांत तो बहुत छोटी बात हो गई अब, मतलब वहां से तो आप मान के चले कि कुछ नहीं, आपने बस सरफेस पे देख लिया चीजों को। तो इसी तरह से बाकी चीजों का इंपोर्टेंस भी बढ़ गया है आपको। अब ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम तो खैर पहले भी नहीं था और अब तो बिल्कुल स्टैंप लग गया है, आपने डूबना पड़ेगा तब जाके आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे, सीधी सी बात ये है। तो मेरी तरफ से ये था, बाकी विनय सर आप बताएं और इस प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू दिनेश सर। देखो जितने भी आप अगेन देखो, हम एक चीज बोलना चाहता हूं मैं। आशीष सर बिल्कुल, दिनेश सर हैज कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ आवर कमिटमेंट। द आइडिया इज, देखो भाई अपन ऐसे लोग नहीं है कि जो पैसे के लिए काम करें, अपन दिल से कनेक्ट करते हैं चाहे कोई भी मेट्रो लाइफ, और जो हमारे पास रिसोर्स है, नॉलेज बेस है, और जो हमारे इमोशंस और कमिटमेंट है वो आप लोगों के साथ जेन्युइनली आपको फील होगा। मैं ये कहता हूँ कि ज्वाइन अस फॉर 1 वीक, यू विल सी द डिफरेंस विद इन 1 वीक। आपको ज्यादा दिन देने की जरूरत नहीं है, 1 वीक में आप ज्वाइन करो एंड वी आर प्रोवाइडिंग आवर कोर्सेज एट अ वेरी नॉमिनल फी। आप वो मत दो, आप देखो कि अगर आपको एक साल अगर हम वैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो आप ज्वाइन करो, अदरवाइज मत ज्वाइन। ये कमिटमेंट है पूरे सबकी, और यहाँ सभी लोग ना बहुत जेन्युइनली कनेक्टेड हैं एंड दे आर वेरी रिसोर्सफुल नॉलेज वाइज एंड एज वेल एज उनका लाइफ का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो मैं आप सभी को वही उसी पॉइंट के लिए इन्वाइट करता हूँ। आपने दुनिया देखी है, एक बार जस्ट गिव अस वन यू नो, एक लाइफ का अपना एक क्रूशियल टाइम हमें दो एंड वी अंडरस्टैंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है सर, विनय सर यू कैन कंटिन्यू नाउ।
ठीक है, थैंक यू सर। देखो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो इसमें दो तीन बातें निकल के आ रही है, उसी बात को ही ध्यान में रख के प्रोग्राम डिजाइन किया। मैं आपको प्रोग्राम की डिटेल बताता हूँ कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें जो बातें निकल के आई है वो क्या आई है, फर्स्ट इज देर इज समथिंग स्पेसिफिसिटी इज गोइंग ऑन। अब आप जनरल से काम नहीं चला सकते हो, पॉलिटी में, साइंस में, एनवायरमेंट में, एग्रीकल्चर में, ज्योग्राफी में, कहीं ना कहीं स्पेसिफिसिटी को डालना पड़ेगा, यानी कि एक्सपर्ट की हेल्प रिक्वायर्ड होगी। अब या तो आप खुद पढ़ लो 4-5-6 साल लगा के वो मोटी मोटी बुक्स, या फिर जनरली जो फीडबैक यहाँ मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, हम तो यहाँ की गारंटी ले सकते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा। तो पहली बात है स्पेसिफिसिटी वाली, ठीक है, कि स्पेसिफिक और एक डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग है जो यहाँ से निकल के आई है वो ये है कि टाइम सेविंग। अब एक जो चीज है कि मान लो हम आपके लगातार सेशन लिए जा रहे हैं लाइव। मेरे का जो मानना है, लगातार मैंने खुद 5 बार मेंस लिखा है सिविल सर्विस का, 2 बार स्टेट का, राजस्थान, हरियाणा, मतलब कि 10-11 मेंस लिखे मैंने, तो मेरे को समझ में आया। और हम रिसेंट को ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो आजकल जो स्मार्ट बच्चा है, जो कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हुई है, जो इतनी फैसिलिटी ऑनलाइन हो गई है, तो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो 1.5 साल अपना क्लास में खराब नहीं करेगा, नोट्स बना रहा है। एक सेकंड प्लीज, तो आई थिंक आई एम ऑडिबल। तो वो जो बच्चा होगा वो ये नहीं करेगा कि नोट्स बना रहा है क्लास में और 1.5 साल तक लिखे जा रहा है। अब मेरा, मुझे क्या लगता है, कुछ लेक्चर्स होंगे जो चाहे आपके रिकॉर्डेड हों या ऑनलाइन हों, आपको अपने ईज के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको देख लो फटाफट, ठीक है। और अपने जो भी है, जो फोकस करना है वो किस पे करना है, अपना ये जो MCQ मान लो प्रैक्टिस करने पे, और दूसरा जो धीरज सर ने कहा जो एज लेनी है वो कहाँ लेनी है, प्री से पहले मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, उस साल आप कॉन्फिडेंट फील होगे। तो इसी इन 2-3 बातों को ध्यान में रखते हुए कि कुछ चीजें स्पेसिफिसिटी हो, कहीं में आपको एज मिले, वो एज कैसे मिलेगा, जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस करके, पढ़ने का टाइम पीरियड हम कम कर देंगे, प्रैक्टिस का बढ़ा देंगे, तो यहाँ ये चीज आपको एज देगी। तो अब एक बार देख लो, आपको मैं शेड्यूल पेज प्रेजेंट करता हूँ कि कैसे मैंने आपके लिए माइक्रो, जो आशीष सर बात कर रहे थे माइक्रो शेड्यूलिंग की, और ये तो आशीष सर के अंदर इम्बाइब है और हम भी अलग अलग जगह बैठे हैं, फिर भी हम आपको कॉमन बात इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि सभी का मोटो और तरीका वही है, और मैंने ये PPT बनाई है तो मैंने भी उसमें एग्जैक्ट वर्ड वही यूज किया है, क्योंकि हमें पता है माइक्रो शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड होगी आपके लिए। तो मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखाता हूँ और कैसे हम प्रोग्राम को प्रेजेंट करेंगे आपके लिए आगे। सर एक चीज मैं कहना चाह रहा था, प्लीज। यस सर, प्लीज सर। इसमें काफी डिस्टर्बेंस आ रहा था आवाज में भी। अच्छा, आवाज मेरी डिस्टर्बेंस आ रही अच्छा, है। मैं ये कह रहा था सर कि जो शुरुआत में धीरज सर ने जो इंट्रोडक्शन लिया बच्चों से कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, अभी तक आपने कितना एग्जाम दे लिया या प्री दे लिया क्या, नहीं मेंस लिखा नहीं है लिखा, तो उससे मेरे को समझ में आ रहा है कि जो मैं बर्ड आई व्यू एक बताऊं आपको कि इन स्टूडेंट्स की, आप सबकी जो मेंटल स्टेटस है अभी, आप जो सोच रहे हो वो एग्जैक्टली मैं फील कर पा रहा हूं कि आपको जो लग रहा है अभी क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा। कई बार ऐसा वहम हो जाता है कि मैंने सही पढ़ लिया, कि मैंने एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो ये जितनी भी आपके मन में विचार आ रहे हैं इन सब को पार करके फिर हम यहाँ बैठे हैं। तो इन सब चीजों का भी होता है ना कि इमोशनल की टीचर से बात तो होगी उसमें सब्जेक्ट के बारे में, कई बार होता है कि सर चीजों पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझा रहे हो पर बात समझ में आ ही नहीं रही है, तो वैसी क्वायरीज भी बहुत सारी आती हैं। से तो कोई दूसरे तरीके से बताओ हमें, ये बिल्कुल बात समझ में नहीं है, आपने अपनी तरफ से बहुत सिंपल बता दी फिर भी बात समझ नहीं आ रही। सर मैं लिख रहा हूं आप बता रहे हो, वैसे कोशिश भी कर रहा हूं पर मेरा आंसर वैसा नहीं आ रहा है, मैं अपनी पूरी जान लगा के आंसर लिख रहा हूं मगर आप कह रहे हो कि तो मजा नहीं आया, आप मैं जैसा कह रहा हूं वैसा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं लिख रहे हो। आप इंट्रोडक्शन ही अगर ढंग का नहीं लिखोगे, वही अगर रद्दी किस्म का लिख दिया तो उसके बाद आप बॉडी में क्या लिखोगे, उसके बाद चेक करने वाले का वो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, वो तो खत्म हो गया। तो वो सब चीजें देखने के बाद हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है कि केवल हमने बता दिया और बात खत्म, आप उसके बाद भी पूछेंगे कि सर इसमें कैसे और इम्प्रूव करूं। हम 100 तरीके से एक ही चीज को बताने के 5 तरीके हो सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन को लिखने के 100 तरीके हो सकते हैं, एक कंक्लूजन को, वे फॉरवर्ड को लिखने के 100 तरीके होते हैं, आपको 1 से लेकर 100 तक बेटर कैसे लेके आना है ये हमें करना है विनिंग एज के अंदर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू दिनेश सर। सी देख, आप देख रहे हो कमिटमेंट, मतलब कि हर फैकल्टी को चाह रहा है कि आपकी इम्प्रूवमेंट आए,
तभी सर ये सब, और ये सब ऐसे कुछ नहीं प्लान था, इट्स ऑल एक्सटेम्पोर, और जो एक्सपीरियंस है वो ही कि हमें पता है क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। देखो ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो पेपर निकाला जिसने नहीं है उसको आइडिया नहीं होता उस चीज का, जो रिपीटेडली उसको निकाल रहा है फ्लूक नहीं है, उसको पता है क्या चीज करनी है। तो हमारे यहाँ पे तो लगभग हम IFS की कट ऑफ क्लियर करते हैं, मतलब IAS की तो और नीचे ही जाते हैं 10-15 नंबर। तो हमारा भी पर्पस ये कि जो सर ने कहा, दिनेश सर ने कहा घर आके आप आराम से रिलैक्स रहो, प्री के बाद आपको टेंशन ना रहे एक दो नंबर के। तो अगेन जो प्रोग्राम है इसी तरीके से डिजाइन है। अब देखो मैं आपको, ये जो प्रोग्राम है इट्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि जैसे धीरज सर ने कहा था और मेरा ही मानना यही है कि ये नहीं है कि आप रिपीटेडली प्रीलिम्स क्लियर करे जा रहे हो या मेंस क्लियर कर रहे हो या इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए बच्चे का, है ना, और उसके लिए पहले मेंस रेडी होना चाहिए इस टाइम पे। तो उसी को ध्यान में रखते प्रोग्राम बनाया। तो पहली बात देखो इसके कुछ फीचर्स है प्रोग्राम के, तो जो भी हम कवर करेंगे दैट विल बी इन द 4 stages। आप एक एक चीज को आराम से समझना तब आपको चीज आएंगे समझ में। 4 stages का मतलब है आपकी कुछ क्लासेस होंगी जो रिकॉर्डेड भी हो सकती है, लाइव भी, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, ठीक है। जैसे IR की क्लास है वो लाइव होंगी आपकी, है ना। ज्योग्राफी एनवायरमेंट हिस्ट्री है वो आपकी रिकॉर्डेड है, लेकिन उसमें क्या होगा सिस्टम आपका, आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, आपका टाइम टेबल बनेगा। मैंने आपको बताया ना टाइम बचाना बहुत जरूरी है, ये नहीं आप कल क्लास का वेट कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है, आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको देख रहे हो दिन में 5-5 घंटे 4-4 घंटे जैसे भी हो रहा है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, फिर आप उसके डाउट्स ले रहे हो। वो डाउट सेशन आपके पर्सनल होंगे, आपके जूम सेशन या फोन पे, मतलब आपके डाउट्स हम सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। म्यूट पे, हाँ ठीक है। तो पहला होगा क्लासेस, दूसरा सेल्फ स्टडी जहां पे आपको टारगेट मिलेंगे, आपकी मॉनिटरिंग होगी, थर्ड जो लेयर है दैट इज टेस्ट, फिर आप टेस्ट के थ्रू चाहे MCQ हो चाहे आंसर राइटिंग हो उसके थ्रू आपकी पॉलिशिंग होगी, और फिर लास्ट जो आता है डिस्कशन बाय एक्सपर्ट्स, तो जो भी एक्सपर्ट्स है डोमेन एक्सपर्ट्स है वो आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होगी। तो ये 4 तरीके से हम आपको जो कंप्लीट मैं कह रहा था ना होलिस्टिक नॉलेज और जो स्पेसिफिसिटी पे बात करनी है वो इन तरीके से करेंगे। ये इसी में ये चीजें लिखी हुई है, भाई क्लासेज होंगी आपकी, आप पढ़ोगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे प्रीलिम्स और मेंस के, UPSC PYQ एनालाइज कराएंगे आपको, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे अप्रोच करना है, फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के, ट्रिक्स टू रिमेंबर टॉपिक्स, ये एक मेरी फेमस सीरीज है रट्टा मार के नाम से, है ना। तो उसमें मैं ये चीजें आपको याद करवाता हूँ कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है और उसको याद कर लो, सीधा एग्जाम में हिट करेगा। जो कन्फ्यूजन आता है ना कि 2 स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो रहा है वो आपका हट जाएगा इससे रट्टा मार के थ्रू। देन नेक्स्ट इज करंट अफेयर, तो रेगुलरली आपको अपडेशन मिलता रहेगा, करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप इस बार का पेपर देखना और मेंस में तो करता ही है। देन थर्ड कंपोनेंट है इसका कि पर्सनल मेंटरशिप होगी, वीकली और मंथली आपके शेड्यूल बनेंगे, उनको चेक किया जाएगा, ठीक है। आपके जो दिनेश सर ने बताया कि पर्सनल डाउट रिजोल्यूशन होंगे आपके इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ, ये इस प्रोग्राम के सारे फीचर्स हैं। देन सेशन ऑन द इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली लेफ्ट आउट टॉपिक, जो कि दीपेंद्र सर ने बताया कि वो 200 वीडियो ऐसी देंगे आपको जो यूजुअली दे आर नॉट इन द रेगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स, वो हम गवर्नमेंट के साइट से, मिनिस्ट्री के साइट से, आप मानोगे नहीं, ये देखो मतलब यहाँ पे इतने मोटे मोटे रजिस्टर रखे हुए मेरे पास, ये सारे मिनिस्ट्री के वो हैं, ये पूरा भरा हुआ है, ये सारे हम एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्री का पढ़ते हैं, या तो आप खुद पढ़ लो इनको, यहाँ पूरा गट्ठर लगा हुआ है। और हमारा क्या होता है, इस पूरे डॉक्यूमेंट से हम केवल 3 या 4 बात निकालते हैं, कुछ कीवर्ड्स निकालते हैं जो सीधा आपको हिट करेगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो एक ये हो जाएगा आपके एक्सपर्ट्स, और जो लेफ्ट आउट टॉपिक जो नहीं पढ़ रहे सब रेगुलर पढ़ रहे हैं, हम आपके लिए वो अलग चीज लेके आएंगे। देन नेक्स्ट इज लास्ट इज द इंटरेक्शन विद टॉपर, आपने इस सेशन में भी देखा धीरज सर खुद सिलेक्टेड हैं, दीपेंद्र सर है, मतलब एक सेशन में 2 टॉपर्स हैं आपके साथ, तो ये हम इंश्योर करेंगे लगातार आपके साथ टॉपर्स आपके साथ इंटरेक्ट करते रहें। क्योंकि मैंने आपको बताया जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ खासियत होती है, उसने उस पाथ को ट्रेवल किया है और पास किया है, तो आप उसमें कुछ चीजें सीखोगे, ठीक है, आपकी पर्सनल क्वेरीज भी हैंडल करेंगे वो, और जो भी एक रिक्वायर्ड पाथ है वो आपको बताएंगे। लास्ट इज द पावर पंच, ये पावर पंच अगेन वो ये रट्टा मार, इस बार मैंने मेंस का भी रट्टा मार निकाल दिया है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा फास्ट कैसे आपको रिवीजन करना है, आपके शेड्यूल बनेंगे इस टाइम में खत्म करना है, और चीजों को ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको याद करवा दूंगा। ये होता है पावर पंच फॉर प्रीलिम्स। अब देखो आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अब आपको एक जनरल शेड्यूल बता रहा हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर आप कैसे अपनी जर्नी को करोगे कवर, ठीक है। तो मैंने इसके लिए बहुत ही डिटेल में शेड्यूल बनाया आपके लिए। अब कोर्स मतलब हमारे साथ हो गए तो वो आपका टाइम, अगर मैं टाइम और स्ट्रगल रिड्यूस हो जाएगा, और आपके ऊपर एक चेक रहेगा कि अच्छा आप ये करना है, ये करना है, मैंने ये कवर नहीं किया और ये दिक्कत है, तो हम आपके लिए मेंटर होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। बाकी अगर जो इंडिविजुअल भी करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट एस्पिरेंट का जो सीरियस है, जो IAS प्रॉपर बनना चाहता है या सिलेक्ट होना चाहता है, उसका शेड्यूल ये होना चाहिए दिन का, दैट इज मैं मानता हूँ 4-4-2-1 आज से, जिसमें आप 4 घंटा अपना ऑप्शनल पढ़ोगे, जिसमें आपकी केवल रीडिंग नहीं है, राइटिंग भी है,
आंसर राइटिंग मस्ट है. अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा लिखो उस टॉपिक पे, क्या प्रीवियस ईयर है, क्या कोई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, लिखो. तो 4 घंटा डेली आपको ऑप्शनल पढ़ना है रीडिंग प्लस राइटिंग पहले स्लॉट में. टाइम हर एक इंडिविजुअल का अलग हो सकता है, वो मैं इंडिविजुअल फ्रेम करूंगा हर एक बच्चे के साथ कि आपका क्या टाइम सूट होता है. फर्स्ट स्लॉट आप कब लगाओगे, सेकंड स्लॉट आप कब लगाओगे. किसी की क्लासेस चल रही होंगी ऑप्शन की तो वो इसमें अपनी क्लासेस खत्म करेगा. सेकंड स्लॉट रहेगा आपका जनरल स्टडीज का, इसमें भी आप रीडिंग और राइटिंग करोगे, यानी कि आप पढ़ोगे या तो हमारी क्लासेज होंगी रिकॉर्डेड, मान लो 4 घंटे तो 3 घंटे क्लास देखोगे, 1 घंटा या तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे या राइटिंग करोगे. अभी टाइम है राइटिंग का, अभी मैं स्टार्टिंग में 2-3 महीने आपको राइटिंग कराऊंगा ज्यादातर, कि आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, आपकी कॉपी वैल्यूएट होगी, मेंटर कॉल होगी, मॉडल आंसर मिलेंगे कंटेंट के लिए, और कहां इंप्रूवमेंट करनी है वो मेंटर्स हम आपको बताएंगे. जो थर्ड स्लॉट होना चाहिए, मैंने स्पेसिफिकली करंट अफेयर का रखा है डेली, जिसमें 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और 1 घंटा मंथली मैगजीन पढ़ोगे, ठीक है. तो करंट अफेयर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको यूज कैसे करना है एग्जाम में वो टाइम टाइम हम आपको बताते रहेंगे, बाकी करंट अफेयर रेगुलर फॉलो करोगे. और 1 घंटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे दिन का आपका, जिसमें आप सो रहे हो आपके दिमाग में कैसेट घूम रही है कि आज दिन में मैंने क्या पढ़ा था, आज मैंने सेशन से क्या सीखा है. अगर आप अपने दिमाग में सोच रहे हो तो आपके पक्का होगी वो चीज, और नहीं आ रहा है तो अपने आप वापिस जाके उसको रेफर करोगे बुक से. अब नेक्स्ट इज जो माइक्रो शेड्यूल जो सर बात कर रहे थे कि मैंने आपको देखो 10 जुलाई से आने वाली 10 जुलाई से 20 मई है ना, शेड्यूल तो आपका यहां तक रहेगा 30 जनवरी, 6 महीने का शेड्यूल लगभग मैंने सेट किया है, बाकी टाइम हम रिविजन पे देंगे. तो ये कैसे होना चाहिए एक एस्पिरेंट का आने वाले टाइम, ताकि उसका प्री मेन सारा कंप्लीट क्लियर हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ. हम तो इसके क्लासेस आपको देंगे ही देंगे, आप अपने आप से भी कर सकते हो, चॉइस है आपकी, ठीक है. अब देखो 10 जुलाई से 10 अगस्त से सबसे पहले हम दिनेश सर की क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर 2 बहुत ट्रिकी आ रहा है ना, पॉलिटी बच्चों को इजी लगती इजी है पर है नहीं उस टाइप से जो चेंज हो रहा है. तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस गवर्नेंस और आईआर, ये 5 कंपोनेंट है. आईआर की आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी 10th से, ठीक है, तो वो आप लाइव क्लास करोगे. और सीसेट की क्लास स्टार्ट होंगी आपकी 15 से, वो भी आप लाइव क्लास करोगे. बाकी क्लासेस ये रिकॉर्डेड है और आप इनके डाउट सेशन हम आपके लेंगे. अब देखो इसमें क्या होगा, अगेन मैं सीसेट को इस बार पिछली बार मैंने लेट स्टार्ट करवाया था, पर इस बार इंपॉर्टेंस को देखते हुए पहले 1 राउंड आपका हम अभी लगवा देंगे 1 महीने के अंदर. फिर आप अपनी लगातार प्रैक्टिस करते रहना, जो भी डाउट होगा फैकल्टी आपके डाउट लेगी. सीसेट जैसे दिनेश सर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, काफी बच्चे इस बार क्लियर नहीं कर पाए, तो फर्स्ट मंथ के अंदर ही मैं आपका सीसेट और पेपर 2 जो दोनों क्रिटिकल है उसको कवर करवा दूंगा. देन वी विल गो फॉर द एसे पार्ट. एसे की आपकी 5 क्लासेज है, जो मैंने 10 दिन का पीरियड रखा है उसके अंदर आपके जो भी मैटर आप एसे को कंपाइल करोगे, क्लासेज देखोगे और 4 टेस्ट दोगे, ठीक है. और यहाँ पे ऊपर देखो आप पेपर 2 में मैंने क्या लिखा है, आंसर राइटिंग, यानी कि आप एमसीक्यू टेस्ट पॉलिटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, और जितनी भी पॉलिटी के मतलब की क्वेश्चन के डायमेंशन बन सकते हैं टॉपिक के, हमने इसको 25 डेज के अंदर डिवाइड किया है. हर दिन आप 2 क्वेश्चन लिखोगे तो 50 क्वेश्चन की आपकी आंसर राइटिंग होगी, कॉपी वैलिड होगी, मॉडल आंसर होंगे. तो इतना कॉम्प्रीहेंसिवली हम आपका डील करेंगे इस पार्ट को. देन एसे होगा, फिर अगला वीक मैंने जो टाइम रखा है 10 अगस्त से 10 सितंबर ज्योग्राफी और मैपिंग के लिए, जिसमें आपकी क्लासेस हैं, आपके डाउट्स लेंगे हम, एमसीक्यू टेस्ट होंगे और आपकी आंसर राइटिंग. तो इस तरीके से हमने पूरा डिजाइन करके कब कब आपका क्या होगा, यानी कि हमने पूरी माइक्रो शेड्यूलिंग कर दी है, कब आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे उसमें इंप्रूवमेंट करनी है. ये सब ऐसे बहुत सोच समझ के बनाया, जैसे मान लो हिस्ट्री हम भूल जाते हैं इसलिए मैंने उसको दिसंबर में रखा है, आप समझो पर्पज, ठीक है. इकोनॉमिक्स को 30 जनवरी रखा है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आप बिल्कुल टच में रहोगे इकोनॉमिक से, फिर आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे करवा देंगे. तो इस तरीके से बहुत सोच समझ के मैंने आपकी पूरी प्लानिंग की है, और सबके साथ देखो जहां जहां रिक्वायर्ड है मैंने आपके साथ आंसर राइटिंग करवाई है. यहाँ पे आंसर राइटिंग है, जहां एमसीक्यू वहां एमसीक्यू, मतलब एक होलिस्टिक कोर्स है जो आपको पूरा कंप्लीट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है. अब ये बात है, देखो ये तो हो गया आपका 30 जनवरी तक मेरा टारगेट है कि सारा प्री और मेंस के जो टॉपिक्स है उन पे आप एमसीक्यू कर लो, आंसर राइटिंग कर लो, पढ़ लो. अब 1 फरवरी से 20 मई तक जो शेड्यूल बनेगा आपका, अगेन कंटेंट चेंज नहीं करना है, कंटेंट यही रहेगा, इसी को मैं ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा कि 3 बार रिवाइज करोगे आप उसको, क्योंकि पेपर से पहले अगर 3 बार रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में वो चीजें याद नहीं आती. तो ये 1 फरवरी से 20 मई तक हम 3 बार रिवाइज करेंगे अपने सब्जेक्ट को और एमसीक्यू की लगातार प्रैक्टिस करेंगे. और ये जो शेड्यूल है ना, ये एक जनरल शेड्यूल है, हर एक बच्चे की अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है, किसी ने कुछ टॉपिक किया होता है तो वो मैं उसके अकॉर्डिंग उसका चेंज करूंगा. अगेन अगर कोर्स डिटेल की बात करें तो ये अगले प्रीलिम्स तक आपका वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है उसके बाद मेंस में सपोर्ट तो आपकी हमेशा रहेगी, पर जो एक फॉर्मेलिटी है उसके अकॉर्डिंग अगले आपके प्रीलिम्स तक अवेलेबल है. फीस इसकी 35,000 है इंडिविजुअल, अगर आप कोर्स देखते हो ये तो मैंने अराउंड कैलकुलेट 60,000 से ज्यादा आता है, पर कंप्लीट जो मेंटरशिप के स्टूडेंट है उनकी फीस रहेगी 35,000.
और ज्वाइन आप इसको कर सकते हो यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर प्ले स्टोर पे, माई इंस्टीट्यूट की ऐप आती है आईओएस पे, और वेब पे खोलना है तो classplusapp.com या फिर www.upscakhada.com पे भी, ORG कोड MGX पे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो। तो ये हमारी तरफ से सेशन हो गया पूरा ओरिएंटेशन, ठीक है। आपको अब कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स ले सकते हो। थैंक यू।